अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफजल भट्टू। अज मैं अपने दोस्तों वास्ते लिया जनाब 375 चाचा असलम खान का ट्रैक्टर है जनाब। ये नाल खड़ा है 4560 फोर्ड। तो दोस्तों मेरी अज की जी वीडियो बनाने का मकसद ये है भी चंद दिन पहले सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल हुई है यूट्यूब से, कुछ दोस्तों ने बनाई सी फोर्ड के प्रॉब्लम आ रहे सन। 17 मॉडल एक चैक उन्हें करवाया से एक 19 मॉडल चैक करवाया से भी जोड़ा फोर्ड से 17 मॉडल वो धक्के स्टार्ट है, उन्होंने जंग पिया हुआ है तो उनका जो पिछला हिस्सा जोड़ा ना वो खुला हुआ है। ये दो तीन प्रॉब्लम जोड़े ना या नक्स उन्हें कढ़े सन तो ना भी इन मुकाबले जो पाकिस्तान दूसरे ट्रैक्टर है मिलत के ट्रैक्टर है उन्होंने भी चीज़ा पहले खुल जा नहीं खुलदियाँ है तो क्या वो भी धक्के तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते या 10 साल ही उन्होंने कुछ नहीं होंगे। तो इस बारे जो ट्रैक्टर है मेरे पिंड का ही है तो चाचे मोहम्मद असलम का है। यदि ये वीडियो तुम पहले भी वेख चुके जे तो कल ही मैं इन्हों से पूछा भी अपने ट्रैक्टर कोई प्रॉब्लम आया या नहीं आया जो आप लिया है तो उन्हें कुछ चंद गल्लां दसियां सन, आओ उन्होंने जुबानी सुनने फिर तुम चीज़ा विखाने। अच्छा तो फिर वायरिंग भी दोबारा वायरिंग भी कराई। अच्छा ठीक हो गया। तो दोस्तों ए तुम बखाने जनाब ए निशान वेख लो जनाब ए खुले हुए क्लच प्लेटा तो बड़ा कमजोर है। बाकी ए बाकी सुनने जी तुहाडे कोलों ए हिस्से का जोड़ चेक करो दोस्तों ए जैन दोबारा पिया हुआ जी, किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं हैगी। तो यह वेख सकते जी ए मॉडल 17 है जी, 17 मॉडल मेरे ख्याल है मॉडल लिखा हुआ 017 है 17 या 2017 मॉडल। तो एक मिनट ए हिस्से का भी जैन चेक कर सकते जी दोस्तों ए खुलिया हुआ। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है भी कोई भी कंपनी ट्रैक्टर बना दी है ना अगर उस फॉल्ट ना पवे तो फिर उन्होंने कोई बड़े बड़े जो डीलर उन्होंने बनाए होंगे ट्रैक्टर के जोड़े मकैनिक होंगे ने हर कंपनी ने हर इलाके या हर शहर अपना एक नुमाइंदा बनाया होंगे मकैनिक खड़ा किया होंगे मिलत का न्यू ऑलैंड है या फोर्ड का है तो उस ट्रैक्टर के जो फॉल्ट वो दूर करते हैं। तो यह मतलब यह नहीं है भी मिलत के ट्रैक्टर फॉल्ट नहीं पै सकता तो फोर्ड में ही पै सकता है। तो बाकी गल कर रहे हैं असलम खान जी, असलम होर की इन मसला है की गल कर रहे जी? पहले बैटरियां दो आंदियां आईयां ते इंजन सौखा गेट जांदा हुण बैटरी देंदे पहले एक हुण लोड तो पैणा है तां ही 6 महीने बाद बैटरी बनदी है बैटरी बनदी। ते दोस्तों एक होर वना नुक्स कड्या सी फोर ट्रैक्टर दे विच भी उसकी जिहड़ी बैटरी है ना अगे हैगी है ते रेडिएटर नूं हवा नहीं लगदी। ते दोस्तों आ वेख लो आ फ्यूल टैंक जिहड़ा 110-120 लीटर दा उहना जनाब मुकम्मल अगे लगाया हुआ है अगर इस टैंक के हवा क्रॉसिंग रेडिएटर लग सकती है तो मेरा ख्याल फोर ट्रैक्टर भी बैटरी तो क्रॉसिंग हवा लग सकती है। अगर मिलत कंपनी ए टैंक का कोई बंदोबस्त मुतबादल करे तो ए ट्रैक्टर का इंजन देर पर चले तो किस किस्म की कोई इंजन भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों बाकी एक और मैं गल कर रही थी उन्होंने जंग के बारे गल की थी विलायती पेंट है बहुत ही विलायती आला किस्म का इस जनाब ना खराब नहीं होना चाहिए सी। ते कलर मैच चेक कर सको कैमरा पिछे लिया थोड़ा जी ए चेक कर सकते जी ए बोनट का जो कलर होर है जी ए जो हिस्सा बोनट का आता है जो प्लास्टिक कवर लगे एंता होर है ए कलर तो ए कलर मैच ही नहीं करता पाया अगर ए 14 आने है ए 10-11 आने है ए भी मसला हो गया। बाकी तुम मेरे ख्याल जंग भी वेख लिया दोस्तों तो हम दूसरी साइड दोनों चेक करवाने
देख सकते जी दोस्तों आ ब्रेकां दे तकरीबन ही जंग है गए तो मेरा ख्याल है भी जेड़े दोस्तों ने यह दावा किया 2017 मॉडल होवे तो जंग पै जाए तो मैं जनाब अपने भरावां दा दावा जनाब मुस्तरद करदा ए तुहाडे सामने ट्रैक्टर पेश किया है ये जी एक तो धक्के स्टार्ट रहा है क्योंकि इसमें मैं भी खुद कई दफ़ा धक्का लगाया है तो उस अलावा जो पिछला हिस्सा खुला हुआ है मालक नाल गल करते पे जे किसी एवें नथु पत्थु ड्राइवर नाल नहीं गल कर रहे जी मालक ना चाचा असलम का ट्रैक्टर है तो मालक भी ने खुद ड्राइवर भी है तो उन्हें जनाब ना जो इन बारे हकीकत है वो ही अपलोड की है वो ही दसी है ये नहीं है भी कोई बनावटी गल्लां कीतियां हैगियां ने तो इस तो अलावा जनाब दोस्तों इधर चेक करा रहा है इंडा के बाद ए वेखो दोस्तों ए अगर रंग है क्यों उतर गया है ए भी दसो ए नटा नूं जंग आया हुआ जी तो ए रंग कोई नहीं खड़ा जी अगर तो अगे भी चेक कर पत्थरी चेक कर सकते जी दसवां महीना 2017 ए मॉडल चेक कर सकते जी दोस्तों तो हुण मैं तुहानूं चेक करवाउंदा अपना 4560 फोर्ड तो यह तकरीबन चलिया हुआ जी 175 घंटा चेक करो ये 175 घंटा चलिया हुआ दोस्तों तो हुण मैं इहनूं सलो मारन लग्या जी आ गिलास दा जिहड़ा ना उपर रखन लग्या जी पानी वाला जिहड़ा उहनां दोस्तां रख्या सी भी आ गिलास जी भज पैंदा है चेक करने हैं भी 4560 भी दौड़ता है या बस गया जनाब ए जो कागज जी है ये गल कर सकते बाकी स्टीकर चेक कर लो दोस्तों आ स्टीकर ये अगले नट बोल्ट है ये कोई लीकेज है किसी किस्म की कोई लीकेज हो आगे पिछे चेक करो आ रिम चेक कर लो एवें ही दोस्तों आ सारे ट्रैक्टर चेक कर लो अगर कोई लीक हो किसी जगह पर तो तुम गल कर सकते अगर किसी शक शुभा हो तो मौके पर आवे जनाब ऐ चेक कर लो देख सकते जो मिले का ट्रैक्टर जिस तरीके गिलास पिया उस तरीके फोर्ड का भी पिया गया तो यह मामला बिल्कुल ओके रही है ये बराबर ही आ गए तो हूँ मैं दोस्तों तुम्हें लै चलना फील्ड में जिथे मैं बंद करा है। दोस्तों हूँ मैं अपना ट्रैक्टर ले जाना फील्ड में जिथे हूँ मैं चलावगा 1500 RPM पहला गेयर लगेगा तो तुम चेक करोगे कि ट्रैक्टर जोड़ा आया ये जिस तरीके उन्होंने दोस्तों ने चलाया 2019 मॉडल उन्हें नहीं वाधा घाटा करता है या अपने आराम में चलता है तो आओ चलने जनाब फील्ड में हूँ अस जमीन आ गए जनाब इतने जेडे ना कंप्यूटर फिरा हुआ पहले आ वेख सकते जी तो हूँ मैं अपने दोस्तों ये विखा चाहना कि 1600 RPM तो मैं 1700 RPM तो पहले गेयर में चलावगा और पिछली वीडियो तेखा उसी दोस्तों ने जिन्होंने फोर्ड के बारे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने बड़े 300-400 किलोमीटर का फासला कर किया आए तो उन्हें फोर्ड के नक्श बयान फरमाए सन तो मैं अपने दोस्तों ने दसना चाहना कोई भी ट्रैक्टर है खा फोर्ड है रूसी है जो भी है अगर तुसी उसनू जमीन जिस तरह की है उस तरह का गेयर ना लगाओगे वो ट्रैक्टर कभी भी जमीन ठीक नहीं पावेगा अगर जमीन इन्नी सख्त है कि तुम तीसरा लो इस्तेमाल करना पैंदा है तो तुसी जनाब उन्हें तीसरे लोह उन्होंने जमीन वाहोगे हलवाओगे जे अगर जमीन थोड़ी जी दरमियानी हैगी है पोली है उनके जना पहला चौथा लो ला सकते जी अगर उस तो ज़्यादा नरम है तो पहला गेयर इस्तेमाल कर सकते जी तो उन्होंने दोस्तों ने सख्त जमीन पहला गेयर इस्तेमाल किया
ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੇਸ 5 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ 10 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ 15 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸ ਗੇਅਰ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਪ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ ਪੀ ਐਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਅਦੀਲ ਅਫਜ਼ਲ ਵੱਟੂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਦੀਲ ਅਫਜ਼ਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਆਰ ਪੀ ਐਮ 'ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਹਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਆਰ ਪੀ ਐਮ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਦੋਸਤੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਆਹ ਧੂੰਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਰਗਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਰ ਪੀ ਐਮ ਵੱਧਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਰਗਾੜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਚਲੋ ਬਈ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਸਟੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਉਸਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ ਫੋਰ 4560 ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਚਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਚਲਾਏ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ 4560 ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਬੰਨਦੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
वही जमीन भी सख्त होगी, उन्होंने तीसरे गेयर च पाओ, उदू नरम होते चौथे लोहे च पाओ। अगर जमीन मजीद नरम है तो पहला गेयर इस्तेमाल कर सकते, बजाय इस दे सख्त जमीन तो जना पहला या दूसरा लगा दो तो फिर कहो भाई जी ये तो ट्रैक्टर ही नहीं खिंचता। वो अगर रूसी ट्रैक्टर भी होगा, पचासी भी होगा, मिलन का हो, न्यू हॉलैंड का हो, किसी कंपनी का भी होगा, तो मेरा ख्याल भी सख्त जमीन कम से कम जरा गेयर छोटा लगाना पवेगा ताकि ट्रैक्टर को तकलीफ ही ना हो तो अपने हल या डिस्क पूरी खिंचे। बाकी रह गई एक गल, अगर कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी दोस्त दुनिया से अगर उसनों को ट्रैक्टर दे दिता जाता या कोई ट्रैक्टर ले लैंदा, मोटरसाइकिल ले लैंदा, खा होंडा 70 ले लैंदा, अगर उसकी हिफाजत नहीं करता, उन्हें नवादा दवादा नहीं है, उनका आयल पूरे टाइम से चेंज नहीं करता, तो फिर तुम ये नहीं कह सकते जी उसको जंग पै गया। अगर वो बाहर ही खड़ा है, उत्ते बारिश बस रही है, उनकी उनका ख्याल नहीं है, तो उसकी बॉडी में जल्दी जल्दी जंग पवेगा, तो उसके ना कोई कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर वो उसका पूरे टाइम से तेल चेंज नहीं करेगा, फिर भी ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आएगी। वह जो पानी है वह लाजमी जो भी काम तो जाना है, आयल इंजन का, रेडिएटर का, दूसरा पानी तो डीजल, यह लाजमी चैक करके फील्ड जाना चाहिए, फिर इस चलावे तो मेरा ख्याल है भी बेहतर रिजल्ट का हामिल होगा। तो हूँ मेरे दोस्त सारे मेरी गल समझ आ गई होगी कि कोई भी ट्रैक्टर है, मिलत का है, न्यू हॉलैंड का या फोर्ड का है, अगर उन्होंने फॉल्ट ना आवन तो फिर मिलत वाले या न्यू हॉलैंड वाले अपनी डीलरशिप पर जितने भी उन्होंने मिस्त्री मकैनिक हर छोटे छोटे चौक पर बिठाए हुए हैं उन्होंने बिठाने की जरूरत ना हो। यदा मतलब है एक साल की जो वारंटी देंगे ने उन्होंने खुद कंपनी जानती है भी नुक्स जरूर आते हैं। तो जे अगर तुम कहो भी खाली नुक्स 45, 60, 58 से फोर्ड कंपनी ही आएगा, यह भाई जान थोड़ी गलतफहमी जी मैं दूर करना, क्योंकि हर ट्रैक्टर के बच्चे बंदे की किस्मत के नाल, अगर कोई किसी की किस्मत अच्छी है तो उन्होंने ट्रैक्टर लेंदा तो उन्होंने कोई फॉल्ट भी नहीं आ सकता, अगर किसी कोई दोस्त ट्रैक्टर ले लेंदा तो उन्होंने कोई फॉल्ट आ जाता है। ये जनाब कंपनी का मेरा ख्याल है भी गुनाह भी कौन नहीं हुंदा भी तुसी लाजमी कहो भी मिलत कंपनी खराब है या फोर्ड कंपनी खराब है। बस दोस्तों थोड़ी जी अपनी रहनमई करनी चाहिए, क्योंकि सारे पाकिस्तान जो फोर्ड है, मिलत है या दूसरा न्यू हॉलैंड ने, ये सारे मेड इन पाकिस्तान, तो सानू जनाब ना अपने कंपनियों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए भी उन्होंने इन्हें ने वक्तों नाल या इन्हें वक्त करके ट्रैक्टर अपन मुहैया किए हैं, तो आप हम आके जना फील्ड आके इन्हें बदनामी करिए, तो मेरा ख्याल है आपको 100 बारी सोचना पवेगा, यह इंज नहीं करना चाहिए। तो अपन तो उन्हें कंपनियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने जनाब सानू ये ट्रैक्टर मुहैया किए, तो असं अजक जमींदार इन्होंने इस्तेमाल करते पे हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला अगर कोई भी दोस्त है, किसी ने कोई भी किस किस्म का शक हो, हाइड्रोलिक की प्रॉब्लम है जी, या कोई भी प्रॉब्लम आए या ट्रैक्टर इस तरीके नहीं चल सकता, वो मेरा ट्रैक्टर जनाब आके वेखे तो चलावे। तो हूँ मेरा ख्याल है भी सारे दोस्तों मेरी गल की कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो हूँ मैं थोड़े की इजाजत चाहना, थोड़ा मेज़बान मियां मोहम्मद अफसल भट्टू, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।